डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है, और कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है इसको हमें स्टडी करना है। तो वी नो दैट ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लो कैपेसिटर में क्या होता है, दो थिन कंडक्टिंग प्लेट होती है। मान लेते हैं इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या मान लेता हूं मैं, सी। लेट सी इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। अब देखो इस कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये मान लेते हैं बैटरी का पॉजिटिव और ये क्या बैटरी का नेगेटिव। तो क्या होगा, मान लो ये कैपेसिटर क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होता है। मान लो हमें इस कैपेसिटर को जो टोटल चार्ज देना है या कैपेसिटर की जो चार्जिंग करनी है, हमें इसको चार्ज देना है जीरो से लेके क्यू तक। टोटल चार्ज जीरो से क्यू तक। जीरो कब है, शुरू में हम मान लेंगे लेट इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, मतलब शुरू में कैपेसिटर चार्ज नहीं है, तो चार्ज कितना हो गया, जीरो। जब इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे क्या होगा, इसी प्लेट्स में चार्ज बढ़ता जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू। तो हमें इसको चार्ज देना है जीरो से क्यू तक। अब हम ये बात करते हैं यहां पर, सपोज एट एनी टाइम, मान लेते हैं लेट एट एनी टाइम क्यू इज चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं तो किसी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या मान लिया हमने, क्यू इज चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। किसी भी टाइम पे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कितना है, क्यू है। अब देखो हम ये कहते हैं कि इस चार्ज क्यू की हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास में इस टाइम पर चार्ज कितना है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ कितना होगा माइनस क्यू। यदि इसके बाद में इसको हम और चार्ज देते हैं तो क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ चार्ज क्यू है और इस प्लेट को मैं चार्ज डी क्यू और देना चाहता हूँ, सपोज क्यू के बाद में चार्ज डी क्यू और देना चाह रहे हैं हम इस प्लेट को, तो क्या होगा, पहले से चार्ज क्यू प्रेजेंट है और चार्ज दे रहे हैं, इट मींस वी हैव टू डू सम वर्क, देन दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। मतलब इस कैपेसिटर को चार्ज करने में हमें जो वर्क करना पड़ा है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पर एक्चुअली यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, ये जो हमने सोर्स लगा रखा है, ये बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी वर्क कर रही है। बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर में आके स्टोर हो रही है किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी आएगी वो उसके लिए हमें निकालना है। सो वी नो दैट इस कैपेसिटर को चार्ज करने में सम वर्क इज डन बाय दिस बैटरी। मान लेते हैं भाई जो चार्ज है वो कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा है वो धीरे धीरे आता है, और ये कहते हैं डी क्यू इज स्मॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है, एक बार में डी क्यू आया, फिर डी क्यू आ रहा है, फिर डी क्यू आ रहा है इन प्लेट्स पे। तो डी क्यू अपन ने क्या मान लिया, स्मॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज। अब यहां बात कर रहे हैं कि क्यू के बाद में जब चार्ज डी क्यू आएगा, देन लेट डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क। हम ये मान लें कि डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क इन गिविंग स्मॉल चार्ज डी क्यू। इस कैपेसिटर को स्मॉल चार्ज दे डी क्यू देने में जो स्मॉल वर्क को अपन ने क्या मान लिया, डी डब्ल्यू। सो वी कैन से दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो हमने पढ़ा हुआ है पहले पहले वाले वीडियोज में, वी नो दैट वर्क इज पोटेंशियल इन टू चार्ज। जब इस कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है तब हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल है, लेट बी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट और कैपेसिटर, और चार्ज हमें कितना देना है, डी क्यू। सो स्मॉल वर्क इन गिविंग स्मॉल चार्ज डी क्यू, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इन टू डी क्यू। अब देखो यहाँ से हमें टोटल चार्ज कितना देना है, वी हैव टू गिव टोटल चार्ज फ्रॉम जीरो टू क्यू। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इन टू डी क्यू, बट वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू
CV where C is capacitance और आपने क्या मान रखा है V potential curve जब charge कितना हो Q, तो यहाँ से हम potential की value निकाल सकते हैं V is equal to Q by C, potential की ये वाली value यहाँ put कर देंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास में dW is equal to V की जगह मैंने put कर दिया Q by C और into में यहाँ से dQ. Now C is capacitance of the capacitor जो भी constant होती है, ये तो है small work in giving small charge dQ. हमें total charge देना है 0 से Q, तो total charge के लिए total work कैसे निकालेंगे, इसको integrate कर देते हैं, integrating this result from 0 to Q. So integration of dW is W, that is total work क्या जाएगा हमारे पास में, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके Q तक. C is capacitance of the capacitor, given capacitor के लिए capacitance constant होती है, C को अपन ने यहां से माना, पहुंच से वो बाहर निकाल लिया, क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से Q और Q dQ. We know that integration of x dx अपन ने पढ़ा हुआ है पहले, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x square upon 2. So, ये जो रिजल्ट है हमारे पास में, देखो Q dQ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W is equal to 1 upon C, तो as it is 1 upon C as it is आ गया, और Q dQ का इंटीग्रेशन Q square upon 2 और लिमिट क्या है इसकी 0 से Q तक. So, W is equal to 1 upon C, लिमिट पुट कर देते हैं Q की जगह, अपर लिमिट Q square upon 2 माइनस में लोअर लिमिट Q की जगह 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा. So, हमारे पास में जो वर्क आ गया, this work is equal to Q square upon 2C, ये जो अपन ने वर्क किया है कैपेसिटर को चार्ज करने में, this work is stored in the form of potential energy of the capacitor. So U is equal to Q square upon 2C. अब देखो यहाँ से एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म क्या क्या हो सकती है. We know that Q is equal to CV. So Q square की जगह यदि हम C square V square put कर दें upon में 2C. So एक C से C cancel हो जाएगा, क्या बचेगा 1 upon 2CV square. एक फॉर्म, दूसरी फॉर्म ये आ जाएगी, इसको भी हम और आगे लेके चल सकते हैं CV. We know that Q is equal to CV. CV की जगह Q पुट कर दें और एक V ये और रह जाएगा. So हमारे पास में कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी स्टोर होती है उसके डिफरेंट फॉर्म क्या क्या आ जाएंगे. एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U is equal to Q square upon में 2C. That is equal to another form half CV square, and that is another form 1 upon 2 QV. These are the different forms of energy stored in a capacitor. ये था एक formula energy stored in a capacitor. So देखो capacitor में energy कहाँ से आती है, ये जो हम battery लगाते हैं इसकी जो chemical energy है वो capacitor में किस रूप में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में. अगर यहाँ से हम एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज और देखें कि इस बैटरी के द्वारा जो एनर्जी खर्च की जाती है W is equal to Q into V, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी आई 1 by 2 Q V. अब देखो लेट अस अंडरस्टैंड the energy stored in combination of capacitors. Now let us understand energy stored in combination of capacitors. यदि हम single capacitor की जगह capacitors को combine कर देते हैं तब energy के लिए expression क्या आएगी. देखो अभी हमने अभी वाले video में energy के लिए expression क्या निकाली है, U is equal to half CV square is equal to half QV और Q square upon 2C. ये अपन ने एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म निकाल ली है. अब बात करते हैं यदि
सपोज वी हैव एन कैपेसिटर, जैसे अपने पास में ये एन कैपेसिटर है, इनको अपन ने सीरीज में जोड़ दिया, तो वी नो दैट चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेंस सेम। और ये एन कैपेसिटर है, पर पहले कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस सी वन, दूसरे के लिए सी टू, तीसरे के लिए सी थ्री और एनथ के लिए सी एन, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है सीरीज में, 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 and so on plus 1 upon Cn. So, energy. यदि मैं total energy की बात करूं, then using this formula, we can write energy stored in series combination is Q square upon V2 और C की जगह क्या आ जाएगा Cs, equivalent capacitance, और यू कह देंगे Q square upon 2 और ये रह गया हमारे पास में 1 upon Cs, 1 upon Cs की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon Cn, और इसको हम ये कह सकते हैं Q square upon V twice of C1 plus Q square upon V twice of C2 plus Q square upon V twice of Cn। देखो पहले कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1 चार्ज इस पे कितना है Q, इसका मतलब Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 क्या बना एनर्जी इन द फर्स्ट कैपेसिटर, इसी प्रकार से ये क्या है एनर्जी इन द सेकंड कैपेसिटर, और ये क्या आ गया एनर्जी इन द nth कैपेसिटर। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो क्या आ जाएगी, यहां पर जो इंडिविजुअल कैपेसिटर की बात करते हैं, ये मान लो इसमें एनर्जी कितनी थी U1, इसमें एनर्जी कितनी है U2 और इसमें एनर्जी कितनी थी un, प्रत्येक कैपेसिटर की एनर्जी को जोड़ दो क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार से हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एनर्जी स्टोर के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। मान लो हमारे पास में पहला कैपेसिटर c1, दूसरा कैपेसिटर c2, तीसरा कैपेसिटर c3 एंड सो ऑन, n कैपेसिटर को अपन ने पैरेलल में जोड़ दिया, तो we know that equivalent capacitance in parallel combination Cp is equal to C1 plus C2 plus Cn, और parallel combination में प्रत्येक capacitor के लिए potential की value same रहती है, so we can say that energy in the parallel combination that is U is equal to 1 by 2 half Cp V square, where Cp क्या हो गया equivalent capacitance of the parallel combination और V क्या potential जो प्रत्येक capacitor में same रहेगा, और इसको हम ये कह सकते हैं 1 by 2 Cp की जगह C1 plus C2 plus Cn into V square and that is equal to half C1 V square plus half C2 V square और plus half Cn V square, that is equal to, देखो ये क्या होगी energy in the first capacitor और ये क्या जाएगी energy in the second capacitor और ये energy in the second capacitor, so total energy is equal to U1 plus U2 plus UN, same formula के हमारे पास में जो कि series combination में आया था। इसका मतलब देखो capacitor चाहे series में हो या parallel में हो, total energy निकालनी है तो प्रत्येक capacitor के पास में उसकी जो individual energy है उन सभी एनर्जी का सम कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। जैसे मान लो तीन कैपेसिटर हमारे पास में, प्रत्येक कैपेसिटर की एनर्जी सपोज ईच कैपेसिटर हैव एनर्जी 3 जूल, तो इनको हम सीरीज में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी 9 जूल। तो ये था हमारे पास में कांसेप्ट एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। थैंक्स फ्रेंड्स एंड कीप ऑन वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल।